ब्रह्मपुर, जिसे बिरहामपुर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य उड़ीसा के गंजाम जिले के पूर्वी तट पर अवस्थित एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। ब्रह्मपुर अपने स्ट्रीट फूड, सिल्क साड़ियों या पटो साड़ियों, मंदिरों और कई ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुर को उड़ीसा की खाद्य राजधानी और भारत के रेशम शहर के नाम से भी जाना जा सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी शहर के अधिकतर वाहन में OR7 या OD7 लिखा देखें, तो समझ जाएं कि आप ब्रह्म की नगरी ब्रह्मपुर में आ गए हैं। कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान ब्रह्मेश्वर के नाम से लिया गया है, जिनकी पूजा मुख्य शहर से 4 किलोमीटर दूर लाठी में एक मंदिर में की जाती है। ब्रह्मपुर रूसी कुल्या नदी से 25 किलोमीटर दूर और उसके बेसिन में अवस्थित है। सपुआ नदी और हटी नदी सहित कई छोटी धाराएं इससे होकर बहती हैं। ब्रह्मपुर शहर में गंजामी उड़िया या साउदर्न उड़िया या बेरहमपुरिया भाषा का उपयोग बोलचाल में किया जाता है। इस शहर में घूमने हेतु कई सारे शानदार जगहें हैं, जिनमें मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर पार्क, माँ बूढ़ी ठकुरानी मंदिर, माँ तारा तारिणी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बीजू पटनायक पार्क, गोपालपुर सी बीच, आर्यपल्ली समुद्री तट, सिद्ध भैरवी मंदिर इत्यादि शामिल है। बात अगर चौहद्दी की करें तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुर उत्तर में चंदनिया पहाड़, अंबागढ़ा, रत्नापुर, जगदलपुर, नीमखंडी, लूचपड़ा, भविनीपुर, बड़ा गुमला, पाली गुमला, सना कौशा स्थली और नरेंद्रपुर से दक्षिण में अरुआपल्ली, ब्रह्मपल्ली, खजूरिया, फुलटा, हलादिया पदार, पूर्व में रघुनाथपुर, पथारा, दूरा, मणियापल्ली, अरुआपल्ली से और पश्चिम में बिंदलिया, लाठी, सुंकुंडा, चंदनिया पहाड़ और अंबागढ़ा से घिरा हुआ है। इस शहर का कुल क्षेत्रफल 86.82 वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, इस शहर को ब्रह्मपुर नगर निगम BMC द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह शहर पहली नगर पालिका हुआ करता था, जिसे 1867 में बनाया गया था और 29 दिसंबर 2008 को एक नगर निगम में अपग्रेड कर दिया गया था। नगर निकाय ने 2017 में अपने 150 साल पूरे किए हैं। दक्षिणी रेंज के राजस्व मंडल आयुक्त RDC ब्रह्मपुर में स्थित है और अविभाजित गंजाम, कोरापुट, कंधमाल और कालाहांडी जिलों को कवर करते थे। ब्रह्मपुर तहसील, जिला शिक्षा कार्यालय गंजाम और ब्रह्मपुर उपमंडल का मुख्यालय भी यहीं पर अवस्थित है। दोस्तों, ब्रह्मपुर शहर के इकोनॉमी की ओर गौर करें तो मैं आपको बता दूं कि यह शहर चावल, गन्ना और क्षेत्र के अन्य कृषि उत्पादों के लिए एक व्यापार केंद्र है। उद्योगों में राइस मिलिंग, डिस्टिलिंग और रेशम बुनाई इत्यादि शामिल है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिरहामपुर की जनसंख्या 355,823 थी, जिनमें से 185,584 पुरुष और 170,239 महिलाएं थी, जो इसे उड़ीसा राज्य में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है और भारत में 126वां बहुत ही बड़ा शहर बनाता है। बिरहामपुर की प्रभावी साक्षरता दर 90.04% थी, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 74.04% से अधिक थी। पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 93.83% और 85.92% थी। जनसंख्या का 8.2% 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे थे। वयस्क और बाल लिंगानुपात क्रमशः प्रति 1000 पुरुषों पर 917 और 898 महिलाएं थी।
दोस्तों ब्रह्मपुर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 16 चेन्नई कोलकाता, नेशनल हाईवे 59 ब्रह्मपुर खरियार, नेशनल हाईवे 516 नरेंद्रपुर गोपालपुर, राज्य राजमार्ग 17 उड़ीसा और राज्य राजमार्ग 22 उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, जो लगभग उड़ीसा के अन्य सभी शहरों और कस्बों से कनेक्टेड है। दोस्तों तिपहिया ऑटो टैक्सी इस शहर में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। टैक्सी भी शहर की सड़कों पर चलती हैं। ऑनलाइन सी कैब्स और ओला टैक्सी सर्विस ऐप भी यहां पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने शहर के बाहरी इलाके हलादिया पदर में एक नया बस स्टेशन बनाया है। बात अगर रेल मार्ग की करें तो ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन उड़ीसा और भारत का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसे पहली बार 1896 में खोला गया था। यह हावड़ा चेन्नई मुख्य मार्ग के माध्यम से दो प्रमुख स्टेशनों हावड़ा चेन्नई से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन शहर के मध्य में अवस्थित है। इसकी एक विशिष्ट ब्रिटिश वास्तुकला शैली है और इसमें 4 प्लेटफॉर्म मौजूद है। हवाई मार्ग की ओर गौर करें तो इस शहर के रेंजी लुंडा में एक हवाई पट्टी है। ब्रिटिश राज के दौरान हवाई पट्टी बहुत उपयोग में थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद ये बेरहामपुर विश्वविद्यालय से सटे होने के कारण विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी हुई है। इसके अलावा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का निकटतम वाणिज्यिक हवाई अड्डा है, जो कि भुवनेश्वर में अवस्थित है। जल मार्ग की बात करें तो समुद्री तट पर होने के कारण जीर्णोद्धार और विस्तार के बाद गोपालपुर बंदरगाह की सिफारिश की गई थी। ये एक निजी बंदरगाह है और खनिज निर्यात और आयात को संभालता है। दोस्तों बेरहामपुर शहर में हायर एजुकेशन के लिए कई सारे शानदार संस्थान हैं, जिनमें मुख्य रूप से बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, विनायक आचार्य कॉलेज, गंजाम लॉ कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बेरहामपुर, कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खल्लीकोटे यूनिटरी यूनिवर्सिटी, लिंगराज लॉ कॉलेज, महाराजा कृष्णा चंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पराला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज, रोलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उमाचरण पटनायक इंजीनियरिंग स्कूल और विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इत्यादि मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। दोस्तों ब्रह्मपुर शहर का टेलीफोनिक कोड 0680 है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उड़ीसा के बेरहामपुर अथवा ब्रह्मपुर शहर के कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।